सभापति ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया नामांकन। हनुमानगढ़ में विधानसभा आम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नगर परिषद सभापति गणेश राज मंसल ने अंतिम दिन सोमवार को रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम दिव्य चौधरी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बंसल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यदि हनुमानगढ़ की जनता उन्हें मौका देंगी और अपना आशीर्वाद उन्हें देंगी तो जिस तरह शहर में विकास करवाया है उसी तर्ज पर ग्रामीण इलाके में भी वे विकास की गंगा बहाएंगे। उनकी प्राथमिकता विकास रहेगी। भाजपा को कांग्रेस को लेकर बंसल ने कहा कि दोनों पार्टियां वंशवाद को बढ़ा रही हैं। एक तरफ भाजपा यह है कि ढोल पीट रही है कि वे वंशवाद को नहीं बढ़ा रहे, लेकिन दूसरी तरफ हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहले पिता व अब पुत्र को टिकट देकर वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और यही उसका ताजा उदाहरण है।